आसिला बात्या दानार क्षयति रिपोर्ट 600 कोटीर क्षति नहीं राजस्व मंत्री सूचना। बड़ खबर वर्तमान समय बात्यार 14 जिला प्रभावित होती, अधिक प्रभावित 3 जिला होती, सेगुड़िक भद्रक, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर। जिलापाल माने एने रिपोर्ट देती। पुणि थे आपण को कह रखु बात्या दानार क्षयति रिपोर्ट आसी 600 कोटीर क्षयति नहीं राजस्व मंत्री सूचना। बात्यारे 14 जिला प्रभावित होती, अधिक प्रभावित होती भद्रक, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर जिला माने। तीनोटी जिलार जिलापाल माने रिपोर्ट देखते कौन सविशेष क्षयति होती। आसतु नजर पक राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी प्रतिक्रिया उपरे संक्रांत देखु। 2 तारीख दिन पर्यंत समस्त जिला को एवं ओडिशा रा समस्त विभाग को दिया जाइथिला निर्देश जे 2 तारीख सुधा क्षयक्षतिर आकलन र कार्य को समाप्त करिवा पई। 14टा जिला जो जिला माने आंशिक भावरे हो किंबा व्यापक भावरे हो क्षतिग्रस्त होइतिले, जमी अनुगुल, बालेश्वर, भद्रक, कटक, ढेंकानाल, गंजाम, जगत सिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा एवं मयूरभंज, नयागढ़, पुरी, ये 14टा जिलार चूड़ा रिपोर्ट पहुँची जा। प्रथम रिपोर्ट तो हूँ जे बन्या समय से मानकर जो खर्च है खर्च रिलीफ सेंटर रे खर्च है, रंधा खाद्य जोगाण रे खर्च है, सुखिला खाद्य जोगाण रे खर्च है, छुआ मानक शिशु खाद्य जोगाण रे खर्च है, एवं बहुत जगार से मानकर जो माने रिलीफ सेंटर को आसते कपड़ा लतारे कि खर्च होता हूँ गोटे खर्च। द्वितीय खर्च है जे विभिन्न जिले में फसल नष्ट एवं लोकंर घर आंशिक किंवा संपूर्ण नष्ट। ये रिपोर्ट 14टा जाक जिलूर आमर हस्तगत हो जाए। द्वितीय रिपोर्ट हूँ जे राज्य सरकार विभिन्न विभाग से मानकर रिपोर्ट केवल पंचायती राज डिपार्टमेंट को छाड़ीदे, बाकी समस्त डिपार्टमेंट जमी शक्ति विभाग, कृषि विभाग, आपणकर गणशिक्षा विभाग, रूराल डेवलपमेंट विभाग, ये समस्त क्षयक्षतिर चूड़ांत रिपोर्ट आम पाक पहुँची। ये समस्त रिपोर्टर संकलन चली, संकलन चलापर जा चूड़ांत फिगर आज संध्या सुधा राजस्व एवं विपर्य परिचालना विभाग ताकु प्रस्तुत कर। से बाबद आपण को मुझे कहता एटा एथिपे समय लगे जे धरतु आपण कौन जिले में जिलापाल जो रिपोर्ट आसी फसल नष्ट बाबद जिलापाल भी पठेबे एवं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उक्त निर्दिष्ट जिले में केते क्षति होती फसल तार रिपोर्ट पठेबे। दुईटा को राजस्व एवं विपर्य परिचालना विभाग तार मैचिंग एवं क्रॉस मैचिंग करातीपर जा चूड़ा रिपोर्टा प्रस्तुत होता है। प्रस्तुति काम चली, व्यापक क्षयति होती, प्राथमिक आकलन रु मोटामोटी 600 कोटी टंकार क्षयति अनुमान करा जाउछि। चूड़ांत कंपाइलेशन सलापर विभिन्न जिलार रिपोर्ट एवं विभिन्न विभागर क्षयतिर रिपोर्ट तार संकलन कलापर निर्दिष्ट भाव में केते क्षयति से बाबद कौन सी मंतव्य देहब। आज बालेश्वर जिला, भद्रक जिला, तापर केन्द्रापड़ा जिला, ये तीनोटी जिला व्यापक भाव में प्रभावित होती। ये जिला पाखरे जो जिला मैंने अच्छी धरतु आप मयूरभंज जिलाटा बालेश्वर को लागी करछि, मयूरभंज रे मध्य क्षयति होती, जाजपुर, जगत सिंहपुर रे मध्य क्षयति होती, कटकर किसी अंचल रे मध्य क्षयति होती। आपण जदि से पूर्णांग विषय जानपाल 14टा जिलार एफेक्टेड ब्लक हूँ 166टा ब्लक एफेक्टेड होती, क्यों जिले में संपूर्ण सब ब्लॉक एफेक्टेड होती, क्योंटी में गोटे जोड़े जिला सब मिसेकर 14टा जिला 166 ब्लॉक
ଏବଂ ଇଏ 66 ବ୍ଲକ୍ରୁ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିବାର ବ୍ଲକ୍ ଇ 66 ବ୍ଲକ୍ ହେଲା 14 ଜିଲ୍ଲାର 166 ବ୍ଲକ୍ ଭିତରୁ 131 ବ୍ଲକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଆଂଶିକ ହେଉ କି ବେଶୀ ହେଉ। ନମର ଭିଲେଜେସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ 11,637 ଗାଁ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 41,04,357 41,04,357 ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶାଇକରି। ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ସଂକଳନ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରପ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼, ତାପରେ ଘର ପକ୍କା ଘର କେତେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ଘର କେତେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼, କେତେଟା ଆଂଶିକ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼, କେତେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଜାଗାରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେ ରିପୋର୍ଟରେ 4,000 ପାଖାପାଖି କୁକୁଡ଼ା ସେମାନେ ବାତ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା। ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଜୀବ ଯେଉଁଟା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 60+11 71 ଇଏ ସବୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଡ଼୍ରେ ଆକଳନ ମାନେ ଆସିଛି, ତାର କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ମୋଟାମୋଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆକଳନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ହେଉଛି ଯେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଲୋକଙ୍କର ଫସଲ, ଲୋକଙ୍କର ଘର ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କ୍ଷତି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜଣାଇବାର କଥା ଯେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସେଇଟା କେଉଁଟା ଆଡ଼ମିସିବୁଲ କେଉଁଟା ଆଡ଼ମିସିବୁଲ ନୁହଁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।